बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाता हूँ आपके लिए दिलचस्प और तारीखी मालूमात। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ। वैश्या या वैश से मुराद हिंदू मत के ज़ात पात के निज़ाम में शामिल वो तबका जो रवायती तौर पर अमूमन तजारत और कारोबार से वाबस्ता रहा हो, उनका मकाम ब्राह्मण क्षत्रिय तबकों के बाद आता है। उर्फ़े आम में भारत में फाहशा के लिए कभी कभी लफ्ज़ वैश्या इस्तेमाल किया जाता है, मगर इस इस्तेमाल से ज़ात पात की तकसीम का कुछ ताल्लुक नहीं है। मनो स्मृति में ज़ात पात के निज़ाम और जिम्मेदारियों की तफसीलात दी गई हैं। इसमें वैश लोगों के लिए चरवाहों का काम, तहाइफ देने का काम, कुर्बानी देने का काम, तजारत, कर्ज का कारोबार, काश्तकारी और वेदों को पढ़ना चंद काम शामिल हैं। चुपायों के रखने से इनकार करना वैश के खिलाफ मज़हब था। तजारत में वैश्यों की जिम्मेदारी ये थी कि वो मोतियों, धागों और दीगर अशिया की कदरों कीमत से हर वक्त बाखबर रहा करें। फफड़ा जट दर्जे का हामल एक छोटा सा कबीला जो जेहलम में पिंड दाद खां के मशरक की तरफ को नमक के दामन में तकरीबन 25 मरबा मील के रकबे पर फैला है, और फफड़े 10-11 देहात के इस छोटे से ब्लाक तक ही महदूद हैं। मिस्टर आर जी थॉमसन ने इन्हें नीम जट कबीला बयान किया है, लेकिन वो तवील अरसे से मुग़ल नस्ल से होने के दावेदार हैं, और यकीनन इन्हें तैमूर से मुंसलक करने वाला एक शजरा नसब पेश करने में भी कोई मुश्किल पेश नहीं आती। फलरवां गुजरात में सूरजवंशी और राजपूतों की एक शाख जो राजा करण की नस्ल होने के दावेदार हैं। सियालकोट में इनके 12 गांव हैं और दिल्ली के सरू आबाद शाह को अपना जद्द अमजद बताते हैं और कहते हैं कि कभी वो सरू आ कहलाते थे, मगर इनका नाम दहिंदा मोरस आला फोलोरो फिरोज शाह के अहद में दिल्ली से आया और जंग में थरवान या बरवाल के मकाम पर आबाद हुआ और भट्टी और खोखर के साथ वहाँ अजवाज रखते हैं। मिंटगुमरी में भी इन नाम के ज़रात पेशा राजपूत और लश्कर नाजट कबीले मिलते हैं। पुरोहित किसी ख़ानदान के लिए मजहबी खिदमात अंजाम देने वाला ब्राह्मण कबीला, वो त्योहारों और समाजी तकरीबात मसलन शादी और मौत वगैरह पर रसूमात अदा करता है। इसे सबसे बेहतर खैरात और भेंट मिलती है। अगर वो अनपढ़ हो तो एक मुतबादल पुरोहित उसकी जगह पर फ़राइज अंजाम देता है और दोनों को आधा आधा मुआवजा दिया जाता है। अगर वो शादी या मौत के मौके पर अपने फ़राइज अदा ना कर सके तो उसको बरतरफ कर दिया जाता है और उसकी कोई मदद नहीं की जाती।